Hi students, I welcome you to our vocabulary building session. Today we'll discuss antonyms, that is words which have the opposite meanings. This is the second part of the video. Let's get started. Question number 11. Hame antonym dhoondna hai justifiable ka. Options hain unreasonable, formidable, irrevocable, unscrupulous. सबसे पहले इन सबके मीनिंग्स जान लेते हैं. जस्टिफाइबल का मीनिंग है एबल टू बी शोन टू बी राइट और रीजनेबल. अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं, ये साबित कर सकते हैं कि आप सही हैं, दैट इज जस्टिफाइबल. अनरीजनेबल का मीनिंग है नॉट गाइडेड बाय और बेस्ड ऑन गुड सेंस, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी एंड फेयरनेस. कोई चीज जो गलत है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है, सही नहीं हो सकती है, दैट इज अनरीजनेबल. फॉर्मिडेबल का मीनिंग है इंस्पायरिंग फियर और रिस्पेक्ट थ्रू बीइंग इम्प्रेसिवली लार्ज. कोई चीज जो लोगों को डरा कर अपने लिए इज्जत मांगे, दैट इज फॉर्मिडेबल. इररिवोकेबल का मीनिंग है नॉट एबल टू बी चेंज्ड, किसी चीज कोई ऐसी चीज जिसे हम बदल ना सकें, दैट इज इररिवोकेबल. अनस्क्रूपलस का मीनिंग है हैविंग और शोइंग नो मॉरल प्रिंसिपल्स. जो इंसान कोई भी मॉरल वैल्यूज, कोई भी उसमें आत्मिक मूल्य नहीं है और वो कोई भी काम करता है गलत तरीकों से, दैट इज अनस्क्रूपलस. तो जस्टिफाइबल का एंटोनिम है अनरीजनेबल. कुछ और एंटोनिम्स देखते हैं जस्टिफाइबल के. इलीगल, इललेजिटिमेट, इम्प्रोबेबल, इनवैलिड, प्रोहिबिटेड, रॉन्ग, अनसूटेबल, अनवॉरंटेड. क्वेश्चन नंबर 12 है, हमें कंटेम्पचुअसली का एंटोनिम ढूंढना है. ऑप्शंस हैं एमिकेबली, रीजनेबली, रिस्पेक्टफुली, मेथोडिकली. इन सबके मीनिंग्स देखते हैं. Contemptuously का मीनिंग है फीलिंग और शोइंग डीप hatred और disrespect, किसी से बहुत ज्यादा नफरत करना. Amicably का मीनिंग है शोइंग अ फ्रेंडली agreement टू अ dispute, जब आप दोस्ती के तरीके से किसी लड़ाई को सॉल्व कर देते हैं, दैट इज amicably. Reasonably का मीनिंग है फेयरली और moderately गुड, बहुत ज्यादा अच्छा ना होना लेकिन थोड़ा बहुत ठीक ठाक होना. रिस्पेक्टफुली का मीनिंग है फीलिंग और शोइंग डेफरेंस एंड रिस्पेक्ट, किसी की बहुत ज्यादा इज्जत करना. मेथोडिकली का मीनिंग है वर्किंग इन अ केयरफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड वे, किसी प्लान्ड तरीके से काम करना, दैट इज मेथोडिकली. कंटेम्पटसली का एंटोनिम है रिस्पेक्टफुली. कुछ और एंटोनिम्स देखते हैं. फ्लैटरिंग, हम्बल, praising, polite, shy, admiring, approving, positive. Question number 13 है, हमें antonym ढूंढना है pressing का. Options है unpopular, undemanding, unobtrusive, unimportant. इन सबके meanings देखते हैं. Pressing का meaning है requiring quick or immediate action or attention. कोई चीज जो बहुत ज्यादा जल्दी से आपकी attention और action चाहती हो, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो. अनपॉपुलर का मीनिंग है नॉट शेयर्ड बाय मोस्ट पीपल, कोई चीज जो आम नहीं होती, बहुत ज्यादा लोग जिसको इस्तेमाल नहीं करते. अनडिमांडिंग का मीनिंग है नॉट नीडिंग अ लॉट ऑफ टाइम और अटेंशन, कोई चीज जो कुछ ज्यादा मांग नहीं करती. अनऑब्ट्रूसिव का मीनिंग है नॉट नोटिसेबल और अट्रैक्टिंग अटेंशन, कोई चीज जो ध्यान में नहीं आती, इतनी अननोटिसेबल है, इतनी सटल है, इतनी सिंपल है कि वो कोई भी लोगों की ध्यान को अट्रैक्ट नहीं करती. अनइम्पॉर्टेंट का मीनिंग है लैकिंग इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस, कोई चीज जो महत्वपूर्ण नहीं है, दैट इज अनइम्पॉर्टेंट. प्रेसिंग का एंटोनिम है अनडिमांडिंग. कुछ और एंटोनिम्स देखते हैं प्रेसिंग के. इनएसेंशियल, ऑप्शनल, ट्रिवियल, अनक्रिटिकल, इनसिग्निफिकेंट, नॉन क्रिटिकल, इंसिडेंटल, सेफ. 14th क्वेश्चन है, हमें इवेपोरेटेड का एंटोनिम ढूंढना है. ऑप्शंस है एब्जॉर्ब्ड, एक्सेलरेटेड,
grew, plunged. इन सबके मीनिंग्स देखते हैं. Evaporated का मीनिंग है टू चेंज इन टू वेपर. एक और मीनिंग है टू डिसअपियर और वैनिश. एक और मीनिंग है टू लूज मॉइस्चर. पहला तो है जब हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं. सेकेंड मीनिंग है डिसअपियर या वैनिश, यानी के गायब हो जाना. और थर्ड मीनिंग है टू लूज मॉइस्चर, यानी के पानी खत्म करना. एब्जॉर्ब का मीनिंग है वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग. किसी चीज में जब आपकी रुचि बन जाती है, दिलचस्पी बन जाती है, दैट मीन्स एब्जॉर्ब्ड. एक और मीनिंग है टू टेक इन मॉइस्चर, पानी अपने अंदर लेना. एक्सेलरेटेड का मीनिंग है टू मूव फास्टर और टू गेन स्पीड, और ज्यादा अपनी गति को बढ़ाना. और ज्यादा अपनी गति को बढ़ाना. ग्रीव का मीनिंग है टू इंक्रीज बाय नेचुरल डेवलपमेंट, बढ़ना, ग्रो होना, बड़ा होना, दैट इज ग्रू. प्लंज्ड का मीनिंग है जंप और डाइव क्विकली एंड एनर्जेटिकली, छलांग लगाना बहुत ही तेजी से और बहुत चुस्ती से. तो हम कह सकते हैं इवेपोरेटेड का एंटोनिम है एब्जॉर्ब्ड. कुछ और एंटोनिम्स देखते हैं, कंडेंस, वेट, मटीरियलाइज, अपियरेंस, डैम्पनिंग, सोकिंग, अपियर, शो अप. 15th क्वेश्चन है, हमें एस्पायरिंग का एंटोनिम ढूंढना है. ऑप्शंस हैं अनइंटरेस्टेड, अनग्रेटफुल, एंक्शियस, मिजरेबल. इन सब के मीनिंग्स देखते हैं. एस्पायरिंग का मीनिंग है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग, बहुत ज्यादा चाहत होनी कोई चीज को पाने की, दैट इज एस्पायरिंग. अनइंटरेस्टेड मीन्स नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग, किसी चीज में जब बिल्कुल भी दिलचस्पी ना होना, दैट इज अनइंटरेस्टेड. अनग्रेटफुल मीन्स नॉट फीलिंग और शोइंग ग्रेटिट्यूड, किसी को धन्यवाद, किसी को थैंकफुल ना होना, दैट इज अनग्रेटफुल. एंक्शियस का मीनिंग है फीलिंग और शोइंग वरी, नर्वसनेस और अनईज अबाउट समथिंग विद एन अनसर्टन आउटकम. जब आपको नतीजा नहीं पता तो आपको उसकी चिंता हो रही है, दैट इज कॉल्ड एंक्शियसनेस. मिजरेबल का मीनिंग है बींग इन अ पिटिएबल स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस और अनहैपीनेस, बहुत ज्यादा दुखी होना. एस्पायरिंग का एंटोनिम है अनइंटरेस्टेड. कुछ और एंटोनिम्स हैं एस्पायरिंग के, फेकलेस, अनविलिंग, डिसइंक्लाइंड, अनडिटरमाइंड, डाइव, सिंक, स्लाइड, डिसेंड. अब हमें एंटोनिम ढूंढना है कोर का. ऑप्शंस हैं क्लियर, अननेसेसरी, क्रस्ट, बिसाइड. कोर का मीनिंग है द पार्ट ऑफ समथिंग दैट इज सेंट्रल टू इट्स एग्जिस्टेंस और कैरेक्टर. कोई चीज है, कोई भी वस्तु है, उसके जो मेन मेजर एसेंस है, दैट इज द कोर. क्लियर का मीनिंग है इजी टू परसीव, अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट, जो चीज आसान है, आसानी से समझ आ जाती है, दैट इज क्लियर. अननेसेसरी का मीनिंग है नॉट नीडेड, समथिंग विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण ना होना, दैट इज अननेसेसरी. क्रस्ट का मीनिंग है अ हार्डन लेयर, कोटिंग और डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ समथिंग सॉफ्ट, कोई नरम सी चीज के ऊपर बाहर की जो सख्त लेयर होती है, दैट इज द क्रस्ट. Beside का मीनिंग है by the side of someone or something, किसी के साथ होना, किसी के साथ मौजूद होना. Core का एंटोनिम है unnecessary. कुछ और एंटोनिम्स हैं core के, peripheral, minor, perimeter, piece, division, section, segment, facet. अब हमें एंटोनिम ढूंढना है capricious का. ऑप्शंस है unpredictable, predictable, changeable, captive. इन सबके मीनिंग देखते हैं. कैप्रिशियस का मीनिंग है गिवन टू सडन एंड अनअकाउंटेबल चेंजेस ऑफ मूड और बिहेवियर, एकदम से आपके मूड में स्विंग्स होते हैं,
आपको भी नहीं पता होता कि आपका मूड कैसे चेंज हो जाएगा. दैट इज कैप्रिशियस. अनप्रिडिक्टेबल का मीनिंग है नॉट एबल टू बी प्रिडिक्टेड. कोई चीज जिसको आप पहले से अंदाजा ना लगा सकते हो. प्रिडिक्टेबल का मीनिंग है इन अ मैनर दैट कैन बी प्रिडिक्टेड. अगर आप किसी चीज का अंदाजा पहले से लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्टेड. दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्टेबल. चेंजेबल का मीनिंग है एबल टू बी चेंज और एक्सचेंज. कोई चीज जो आसानी से बदली जा सकती हो. कैप्टिव का मीनिंग है अ पर्सन हु हैज बीन टेकन प्रिजनर और एन एनिमल दैट हैज बीन कन्फाइंड. किसी को बंदी बना देना, दैट इज कॉल्ड कैप्टिव. कैप्रिशियस का एंटोनिम है प्रिडिक्टेबल. कुछ और एंटोनिम्स है स्टेबल, कंसिस्टेंट, सर्टेन, चेंजलेस, कॉन्स्टेंट, अनवेरिंग, सेटल्ड, अनयील्डिंग. अब हमें डर्थ का एंटोनिम ढूंढना है. स्कैर्सिटी, शॉर्टेज, पॉसिटी, अबंडेंस. डर्थ का मीनिंग है अ स्कैर्सिटी और लैक ऑफ समथिंग, कमी होना. स्कैर्सिटी का मीनिंग है द स्टेट ऑफ बीइंग स्केर्स और इन शॉर्ट सप्लाई, किसी चीज की कमी होना. शॉर्टेज का मीनिंग है अ स्टेट और अ सिचुएशन इन विच समथिंग नीडेड कैनॉट बी ऑब्टेन्ड इन सफिशियंट अमाउंट्स. इसका भी मीनिंग कमी होना. पॉसिटी का मीनिंग है द प्रेजेंस ऑफ समथिंग इन ओनली स्मॉल और इनसफिशियंट क्वांटिटीज और अमाउंट. कोई चीज जो कम है. अबंडेंस का मीनिंग है अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग. कोई चीज जो बहुत ज्यादा है. तो डर्थ का एंटोनिम है अबंडेंस. कुछ और एंटोनिम्स देखते हैं. एडिक्वेसी, इनफ, प्लेंटी, सफिशियंसी, एडवांटेज, लग्जरी, परफेक्शन, वेल्थ. अब हमें एंटोनिम ढूंढना है बेस का. ऑप्शंस है एग्जॉल्टेड, हेल्पफुल, अनमार्क्ड, हार्श. इन सब के मीनिंग देखते हैं. बेस का मीनिंग है द लोएस्ट पार्ट और एज ऑफ समथिंग. किसी चीज का सबसे नीचे वाला लेवल होता है जो, दैट इज कॉल्ड द बेस. एक और मीनिंग है अ मेन और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट और इंग्रेडिएंट टू विच अदर थिंग्स आर एडेड. कोई भी प्रेपरेशन जब आप बनाते हैं उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो उसका मुख्य इंग्रेडिएंट है, दैट इज कॉल्ड द बेस. एग्जॉल्टेड का मीनिंग है टू रेज समवन और समथिंग टू अ हायर लेवल. किसी चीज को ऊपर ले जाना. हेल्पफुल का मीनिंग है गिविंग और रेडी टू गिव हेल्प. किसी की मदद करने के लिए जब आप तैयार रहते हैं, दैट इज हेल्पफुल. अनमार्क्ड का मीनिंग है नॉट मार्क्ड और बियरिंग आइडेंटिफाइंग मार्किंग्स. किसी चीज पर जब कोई भी निशान नहीं लगते, दैट थिंग इज अनमार्क्ड. हार्श का मीनिंग है अनप्लेजेंटली रफ और जारिंग टू द सेंसेस. कोई चीज जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली नेगेटिव है, बहुत ज्यादा हार्श है. बेस का एंटोनिम है एग्जॉल्टेड. कुछ और एंटोनिम्स है इंसिडेंटल, नोबल, एच, लेजिटिमेट, राइट, जेन्युइन, सुपीरियर, जस्ट. अब हमें एंटोनिम ढूंढना है फाइडेलिटी का. ऑप्शंस है परफिडी, लॉयल्टी, एमनेसिटी, फ्रेशनेस. इन सब के मीनिंग्स देखते हैं. फाइडेलिटी का मीनिंग है द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस विद विच समथिंग इज कॉपीड. और एक और मीनिंग है फेथफुलनेस टू अ पर्सन. किसी इंसान के साथ ईमानदार होना, दैट इज फाइडेलिटी. परफिडी का मीनिंग है द स्टेट ऑफ बीइंग डिसीटफुल एंड अनट्रस्टवर्दी. किसी के साथ चीटिंग करना, किसी को धोखा देना, इस चीज को हम परफिडी कहेंगे. लॉयल्टी का मीनिंग है द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेथफुल. जो इंसान किसी के साथ ईमानदार होता है, ऐसे इंसान को लॉयल कहते हैं. एमनेसिटी का मीनिंग है एन ऑफिशियल पार्डन फॉर पीपल हु हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंसेस. किसी को उसके इल्जाम से बरी कर देना, उसको आजाद कर देना. फ्रेशनेस का मीनिंग है समथिंग विच इज क्लीन एंड प्योर. कोई चीज जो ताजा है,
साफ है, सुथरी है, दैट इज फ्रेशनेस. फाइडेलिटी का एंटोनिम है परफिडी. कुछ और एंटोनिम्स देखते हैं, डिसलॉयल्टी, इनफाइडेलिटी, इनएक्यूरेसी, एलियनेशन, डिसअफेक्शन, सेपरेशन, अनफेथफुलनेस, फॉल्सनेस. थैंक यू स्टूडेंट्स.